पीएसजी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक। नमस्कार, न्यूज़ फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ खुशबू। पटना विश्वविद्यालय में पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नामांकन के लिए परीक्षा 7 सितंबर को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के लिए स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55% अंक अनिवार्य हैं। SC ST OBC EBC दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी। DSW प्रोफेसर NK झा ने बताया कि इस बार 26 विभागों में पीएचडी की 663 सीटों की नामांकन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कि सबसे अधिक 135 सीटें केमिस्ट्री विभाग में हैं। आवेदन और शुल्क ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट www.pu.online.co.in पर लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। SC और ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 700 रुपये तथा अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वहीं सिलेबस और परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि UGC के नए प्रावधान के तहत जिन विषयों में नियमित शिक्षक है उसी में PhD के लिए नामांकन होगा। दूसरे विषय या सेवानिवृत्त शिक्षक वोकेशनल कोर्स के गाइड नहीं बन सकते। PU के वोकेशनल कोर्स किसी विभाग से संबंध पर चलाए जा रहे हैं। स्थायी शिक्षकों के अभाव में विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स में PhD में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। पत्रकारिता, MBA, वीमेन्स स्टडीज सहित एक दर्जन वोकेशनल कोर्स में PhD के लिए सीटें चिन्हित नहीं की गई है। नियमित शिक्षक के अभाव में छात्रों को नामांकन से वंचित होना पड़ रहा है। UGC नेट और JRF में सफल विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर मिलेगा। राजभवन में PhD में नामांकन के लिए जारी नए प्रावधान के तहत नामांकन होगा। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।